तो ये मैं चार केस स्टडीज में नोट की आपके सामने, चारों के बारे में बात करूंगा। होटल वाली तो प्रॉपर्टी फिर भी ट्रांसफरेबल है, ये तीन प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो ट्रांसफरेबल है। अपने पंजाब में ये बहुत बड़ा कॉलेज है और मेरा ख्याल है उसके ऊपर करोड़ों रुपए, मल्टी करोड़ रुपए उसके ऊपर बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ। 100 वाली जमीन को लीज पे देके इतनी बड़ी बिल्डिंग उसमें बना दी, मैं नाम नहीं लूंगा। तो मेरे को यह पता लगा कि कॉलेज की मैनेजमेंट तो मतलब अलग हो गई है, बंद हो गया कॉलेज एक बार को। दोस्तों, राजवंश सिंह मोहाली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज का टॉपिक फिर ऐसी प्रॉपर्टी को लेके है जिस पे लोगों ने करोड़ों रुपए खर्च दिए लेकिन फिर भी विवाद का विवाद रहा। तो ये मैं चार केस स्टडीज में नोट की आपके सामने, चारों के बारे में बात करूंगा, जिसमें दो में तो कॉलेज बना हुआ है, एक में फ्लोर मिल लगी हुई है और एक होटल है। होटल वाली तो प्रॉपर्टी फिर भी ट्रांसफरेबल है, ये तीन प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो ट्रांसफरेबल नहीं है। एक तो कॉलेज है अपने पंजाब में, यह बहुत बड़ा कॉलेज है और मेरा ख्याल है उसके ऊपर करोड़ों रुपए, मल्टी करोड़ रुपए उसके ऊपर बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है। इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया और बना कैसे, किसी गांव वाली जमीन में बना दिया, मतलब गांव वाली जमीन को लीज पे देके इतनी बड़ी बिल्डिंग उसमें बना दी। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि जो बंदे हैं वो मेरे जानकार भी हैं और थोड़ा सा उनका नाम भी बहुत है, एक मिनट में पता लग जाएगा आपको। तो ये पंचायती जमीन में लेके बहुत बड़ी बिल्डिंग उसमें अपने हिसाब से बना दी, कॉलेज के हॉस्टल के हिसाब से बहुत बड़ी बिल्डिंग बन गई। अब मेरे को ये पता लगा है कि उनका गांव वालों से झगड़ा हो गया और गांव वाले कहते हैं हमारी प्रॉपर्टी छोड़ दो, हमने आपको नहीं देनी। अब जिस बंदे ने मल्टी करोड़ रुपया उसके ऊपर लगा हुआ है तो वो कैसे छोड़ सकता है, यदि उसको छोड़नी पड़ेगी तो ये समझो वो कहां चला गया। तो मेरे को ये पता लगा कि कॉलेज की मैनेजमेंट तो मतलब अलग हो गई है, बंद हो गया कॉलेज एक बार, तो बाद में क्या बनता है क्या नहीं बनता ये बाद की बात है, ये बाद में पता लगेगा। मतलब यदि आपने, मैं ये कहना चाहता हूं, यदि ये 10 एकड़ में आपने कॉलेज बनाया है तो 3 एकड़ जमीन लेके अपने नाम पे रजिस्ट्री करवा के उसमें बना सकते थे भाई। क्यों हमने इस तरीके के काम में करना है जहां पर हमारी प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल नहीं है? यदि आज ये प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल होती तो जितना इसने इसमें पैसा लगा उससे 5 गुना बढ़ के पैसा मिल जाता, क्योंकि जब का ये कॉलेज बना है और आज इसमें कम से कम भी ज्यादा नहीं तो प्रॉपर्टी में ही 50 गुना से ज्यादा फर्क आ चुका है। 50 गुना, यदि ये प्रॉपर्टी तब 8 लाख रुपए एकड़ थी, आज 4 करोड़ रुपए एकड़ की प्रॉपर्टी। तो 4 करोड़ की प्रॉपर्टी तभी होगी ना जब ये ट्रांसफरेबल होगी, ट्रांसफरेबल है ही नहीं। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। दूसरा फिर कॉलेज है, ये नवा शहर के बीच में है, मेरा कोई जानकार दोस्त है बहुत बढ़िया, उन्होंने बाजार के बीच में बहुत ही बढ़िया जगह पर यह कॉलेज बनाया हुआ है। अभी वो बेचना चाहते हैं, इस कॉलेज को बने को 30 साल हो गए, लेकिन ये जमीन जो दूसरी है वक्फ बोर्ड की जमीन है, वक्फ बोर्ड की जमीन है वो ट्रांसफरेबल नहीं होती, तो बिकती नहीं है। जब नहीं बिकती तो डेफिनेटली उसमें फिर फर्क आ गया, मतलब उसको उतने पैसे नहीं मिलेंगे। यदि वो, यही बात मैं फिर कह रहा हूँ, यदि यहाँ पर 10,000 गज जमीन है या 10,000 मीटर जमीन है, 2,000 मीटर लेके अपनी छोटी बिल्डिंग बनाई होती तो आज पता नहीं कितने में चली जाती, कितना कहाँ तक चली जाती। मैं पहले भी अपनी प्रॉपर्टी अपने इसमें वीडियो में बोल चुका हूँ, बता चुका हूँ कि किस तरीके से, अपनी किताब में भी बताया मैंने प्रॉपर्टी कारोबार से खुशहाली में, कि किस तरीके से लोगों के बिजनेस फेल हो गए लेकिन उनको प्रॉपर्टी की बढ़ी हुई कीमतों ने किस तरीके से कंपनसेट किया कि वो बंदे बर्बाद होने से बचने की बजाय वो फिर खुशहाल हो गए। वो खुशहाल तब हुए यदि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल थी। राजपुरा में मैंने राजपुरा की एग्जांपल दी थी कि वहां पर किसी टाइम चाबी फैक्ट्री बनी हुई थी लेकिन चाबी फैक्ट्री चला नहीं पाए किसी तरीके से, 1974 में जमीन खरीदी थी, लेकिन वो जब चाबी फैक्ट्री तो फेल होगी, चाबी फैक्ट्री फेल होने के बाद जो उसमें से निकल के आया प्लॉट प्रॉपर्टी निकल के आई, वो सारी प्रॉपर्टी कमर्शियल आ गई। मतलब जो जितना नुकसान फैक्ट्री ने उसका उनका किया था उससे कहीं ज्यादा प्रॉपर्टी ने उनको कंपनसेट कर दिया, लेकिन इनमें दोनों में नहीं हो रहा। तीसरे नंबर पर ये फिर यही मोहाली के पास ही है, ये बहुत अच्छे 1 एकड़ जमीन है, ये भी वक्फ बोर्ड की जमीन है, अलॉटमेंट हुई को 40-50 साल हो गए, तब जमीन जो जिसने इतनी देर इसकी लीज मनी भी भरी होगी, पैसे भी दिए होंगे, तब प्रॉपर्टी का रेट ही लाख रुपए का एकड़ के हिसाब से होगा, इसमें यह 50,000 में मिल गई होगी सस्ती, तो आप आसपास में रेट हो गया 3 करोड़ रुपए का और ये प्रॉपर्टी मिल रही है 50 लाख रुपए की,
पचास लाख की इसलिए मिली है कि क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी की हम रजिस्ट्री नहीं करवा सकते, ये भी आगे आपको लीज पे देनी पड़ेगी, ये भी बक्का बोर्ड की पंगा। चौथा नंबर मैंने होटल बताया था, ये हरियाणा का मैंने पहले भी बताया इसको कि भाई प्लॉट का रेट वहां 3,000 रुपये गज है, 4,000 रुपये गज मान लो, 5,000 रुपये गज मान लो, और बिल्डिंग के ऊपर उसने 60 लाख रुपये लगा दिया। आसपास में उसके साथ बने हुए मकान है जो 20 या 25 लाख में मिल रहे हैं, वो कहता जी मेरा 150 गज के ऊपर 60 लाख रुपये लग गया, रिहायशी एरिए में ही उसने बना दिया होटल बना दिया। अब यदि होटल ना चला कभी किसी टाइम पे, ये मान के चलो यदि चलता है तो ठीक है भाई, उसका रोजगार है ठीक है, फिर तो उसको देखने की जरूरत नहीं, उसका जो गुजारा हो रहा है उसका जो पैसा रोज उसके पास आ रहा है। यदि कल को कहीं बेचना पड़ जाए उसको, ना चले क्योंकि रिहायशी एरिए में है, 18 फुट की गली के ऊपर है, यदि उसको बेचना पड़ जाए तो जो वो कह रहा मेरा 60 लाख रुपये लगा, तो वो प्रॉपर्टी 20-25 लाख की बिकेगी सारी। तो मैं ये कहता हूं यदि आपको इस तरीके की कोई सिचुएशन आती है भाई, आप सोच समझ के यार काम करो, सोच समझ के ऊपर पैसा लगाओ। भाई आपको नहीं पता, कई बार ठीक है मेरे को भी कई चीजें नहीं पता होती, लेकिन पूछने में क्या जाता है, पूछने में क्या हर्ज है, कहने में क्या हर्ज है, किसी से पूछ लो यार, एक्सपर्ट की सलाह ले लो, कोई एक्सपर्ट सलाह दे देगा तो आप इस तरीके के जो स्टेप है, जो इस तरीके के एक्शन है हमारे जो हमें नुकसान की तरफ लेके जाते हैं, वो हम ऐसे स्टेप लेने से बच जाते हैं। और ये लो, ये जो प्रॉपर्टी है इस तरीके की प्रॉपर्टी है, कहां तो आज ये प्रॉपर्टी ने इनको फाइनेंशियली फ्री कर देना था, इनकी आने वाली पुश्तों नहीं मतलब फ्री हो जाना था, उनको काम करने की जरूरत नहीं थी जितना इनके ऊपर पैसा लगा। लेकिन ये गलती करने की वजह से, नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी लेने की वजह से ये प्रॉपर्टी में उल्टा डिस्प्यूट पड़ गया, खास करके इसमें जो पहले वाली बताया मैंने कॉलेज वाली, इसमें डिस्प्यूट ही पड़ गया। गांव वाले कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, क्या निपटेगा क्या नहीं निपटेगा ये तो बाद की बात है, लेकिन आपको जो एक 4 पैसे जिंदगी में सुकून से कमाने होते हैं वो कमाए जाएंगे या नहीं कमाए जाएंगे, लेकिन सुकून जरूर खराब होगा। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी लेने से बचना है दोस्तों, कभी भी प्रॉपर्टी लेते समय आप अपने तरीके से काम करो, आपको लगे कि हम मतलब हमें नहीं पता तो डेफिनेटली किसी एक्सपर्ट के पास चले जाओ, उनकी सलाह ले लो कि हम क्या करें क्या ना करें। इस तरीके की एक बार प्रॉपर्टी ली तो फिर जी का जंजाल बन जाता है और आपके लिए 24 घंटे टेंशन का कारण बनती है ये प्रॉपर्टी। आप सुबह नाश्ता करोगे तो भी ये प्रॉपर्टी दिमाग में रहेगी, रात को डिनर करोगे तो भी ये प्रॉपर्टी आपके दिमाग में रहेगी। इस तरीके की गलतियां ना करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना और इसके ऊपर चर्चा करना। आपका कोई सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।